गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी, बैंकिंग स्पेशल करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे 4th, 5th एंड 6th जून का करेंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और आगे वाले आने और वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो दोस्तों एक और बात का कहना चाहूंगा, जो लोग आप मेरे वीडियोस को अनलाइक करते हैं प्लीज अनलाइक का रीजन दीजिए, नहीं तो मैं यही समझूंगा कि आप लोग बेवजह अनलाइक कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे मदद कीजिए ताकि मैं और आगे बेहतर कर सकूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर INC RK Singh लॉन्च पैन इंडिया RTM इन इलेक्ट्रिसिटी रिसेंटली, व्हाट डज टी इन RTM डिनोट्स। तो हमारे जो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है RK सिंह, ये एक आपका क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए, ठीक है। आपको पूछ सकता है लॉन्च इंडिया RTM इलेक्ट्रिसिटी रिसेंटली, तो व्हाट डज टी इन RTM डिनोट्स। तो RTM का जो फुल फॉर्म है उसका टी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर विल बी आपका टाइम, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है RTM का रियल टाइम मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया, ये डिटेल्स है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये है RK सिंह, जो कि हमारे यूनियन ऑफ स्टेट मिनिस्टर है पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमेशा इसको अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद लॉन्च अ ट्रायोलॉजी ऑफ स्कीम नेमली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 रिसेंटली, व्हाट डज द आउटले ऑफ द स्कीम। हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारे मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0। तो इसका जो टोटल खर्चा है, टोटल जो मतलब फंड अलॉट हुआ है, ये क्या है, कितना है, ये है 50,000 करोड़, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, 50,000 करोड़, जो कि नियरली $7 बिलियन के करीब होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने इंटरनेट को एज ए फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया है, ये है आपका केरला, केरला ने ये किया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट। कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये कौन से स्टेट पे जो है आपका इनॉग्रेट किया गया है, ये है आपका तेलंगाना, तेलंगाना में ये किया गया है। इसके बारे में नीचे यहाँ पे डिटेल है, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया व्हिच इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाई 2021। तो वो जो हमारे इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है जो कि 2021 में कंप्लीट होने वाला है, उसका नाम क्या है, वो है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि यूपी में है, ठीक है। और यूपी का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और आपका गवर्नर हो जाता है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल सी टैप वॉज लॉन्च बाई WHO फॉर इक्वल एक्सेस टू लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड। हाउ मेनी कंट्रीज सपोर्टेड सी टैप टिल May 29, 2020। COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल एक टेक्नोलॉजी निकाला गया है सी टैप, जो कि लॉन्च किया गया WHO के द्वारा। इसके तहत जो भी COVID-19 के पेशेंट है वो इक्वली, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उनको जो लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है उनको सबको बराबर मिलेगा। तो कितने कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया है, ये है आपका 35 कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल से आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको जरूर पढ़िएगा, ताकि आप लोग इसके डिटेल को भी जान पाए, ताकि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग बता पाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री हैज प्रपोज द आइडिया ऑफ G7+3 नेम्ड एज ए 10 डेमोक्रेटाइज
D10, तो कौन सा कंट्री है जिन्होंने कि G7+3 जो एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है उसका जो नाम उसको D10 रखने का प्रस्ताव दिया है, ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने ऐसा प्रस्ताव दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द बैंक व्हिच हैज पार्टनर्ड विद ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड TCIL टू फैसिलिटेट रियल टाइम पेमेंट फॉर ट्रक ड्राइवर्स। ठीक है, कौन सा बैंक है जिन्होंने कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक टाई अप किया है ताकि जो ट्रक ड्राइवर्स है उनको रियल टाइम मतलब जो पेमेंट है उसको करने में साथ दे, ये है आपका DBS बैंक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CCI। तो CCI जो कि एक संस्था है, इसका जो नया प्रेसिडेंट है वो किसको नियुक्त किया गया है, ये है आपका उदय कोटक। उदय कोटक को आप लोग जानते हैं, कोटक के जो है कोटक महिंद्रा बैंक के जो है वो CEO है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन राइटर हैज ओन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर एशिया रीजियन फॉर द स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। ठीक है, कौन से इंडियन राइटर है जिनको कि 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो है उनको मिला है, ये है आपका कृतिका पांडे। ठीक है, ये है कृतिका पांडे, उनको मिला है अपनी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उनके बारे में डिटेल दिया हुआ है, उनका ईयर्स 29 ईयर्स ओल्ड है ये, और ये रांची के है। ठीक है, चलिए हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि हम भी झारखंड से है और रांची हमारा कैपिटल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द इंडियन NGO व्हिच हैज ओन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड नो टबाको डे अवार्ड 2020। कौन से NGO है जिनको कि वर्ल्ड नो टबाको डे जो है एक अवार्ड होता है वो मिला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ये है आपका सीड्स। ये सीड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हीं को जो है ये मिला है। इनका फुल फॉर्म होता है सोशियो इकोनॉमिक एंड एडुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच स्पेस एजेंसी हैज पार्टनर्ड विद NASA टू होस्ट द डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन टू सपोर्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू मून मार्स एंड बियॉन्ड। तो कौन सा एजेंसी है जिन्होंने NASA के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि वो आगे आने वाले जो मिशन है मून मार्स और उसके भी आगे का ये सब एक साथ कर पाए। ठीक है, और सपोर्ट दे सके, ये है आपका साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी जिसको कि सांसा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द रेयर एस्ट्रॉयड व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स एट एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। तो कौन सा ऐसा नया जो एस्ट्रॉयड है जिनको कि एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है एटलस के द्वारा। ठीक है, इसको शॉर्ट में एटलस बोलते हैं, एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ठीक है, इसके द्वारा, ये है आपका 2019 LD2। ठीक है, 2019 LD2 ये देखिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हैज लॉन्च 25-day खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फिजिकल एडुकेशन टीचर्स एंड कम्युनिटी कोचेस। तो हमारे जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर है उनका नाम बताइए जिन्होंने कि 25-day का एक खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। तो उनका नाम है किरण रिजिजू। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा नीचे डिटेल्स है, इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि कभी कभार ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए टीम ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI has discovered a 1100 year old monolithic sandstone Shiva Lingam in which country? तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक टीम ने जिन्होंने कि 1100 साल पुराना एक शिवलिंगा जो है उनको मिला है, ये कौन से कंट्री से मिला है, ये है आपके वियतनाम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में वियतनाम से तो मिला है, या इससे पता चलता है कि वियतनाम में उस टाइम में भी हिंदू थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मिनिस्ट्री अलोंग विथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ज्वाइंटली लॉन्च्ड स्टूडेंट इंटर्नशिप
प्रोग्राम नेम्ड ट्यूलिप, तो कौन से मिनिस्टर है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ एक मिलकर जो है एक स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप शुरू किया है, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में डिटेल है, इसके बारे में इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द स्किल मैपिंग एक्सरसाइज लॉन्च बाय स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री अंडर वंदे भारत मिशन। तो एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो ये सॉरी तो उसका नाम क्या है, ये उनका नाम है स्वदेश। ठीक है, यहाँ पे है डिटेल, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पोर्ट ट्रस्ट वॉज रीनेम्ड एज ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट एज अप्रूव्ड बाई यूनियन कैबिनेट। तो कौन सा पोर्ट ट्रस्ट है, पोर्ट ट्रस्ट मतलब लोग जानते हैं जहाँ पे शिप्स वगैरह आते जाते हैं, तो उनका नाम बदल के जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट नाम रख दिया गया है, ये है आपका कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, इनका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है, इनके बारे में यहाँ पे नीचे डिटेल्स है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज लॉन्च स्पंदन कैंपेन फॉर पुलिस, कौन सा स्टेट है जिन्होंने की स्पंदन कैंपेन एक लॉन्च किया है पुलिस के लिए, ये है आपके छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल है तो देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम और उनके जो आपके गवर्नर है वो भी थोड़ा सा आप लोग गूगल करके, ठीक है, देख लीजिएगा कि कौन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐप टू ओपन करंट अकाउंट, कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसके तहत आप उसी से आपका अकाउंट करंट अकाउंट खोल सकते हैं, ये आपका इंडसइंड बैंक। ठीक है, इंडसइंड बैंक ने ये ऐप लॉन्च किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द प्राइवेट बैंक व्हिच पार्टनर्ड विथ मास्टर कार्ड इंडिया एंड वर्ल्डलाइन इंडिया टू लॉन्च सॉफ्ट POS। तो कौन सा प्राइवेट बैंक है जिन्होंने कि मास्टर कार्ड एंड वर्ल्डलाइन के साथ एक टाई अप किया है जिसके तहत उन्होंने सॉफ्ट POS लॉन्च किया है, ये है आपका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने ये सॉफ्ट POS जो है लॉन्च किया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, उसके पहले बता दूं POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, इसमें ये भी पूछ सकते हैं तो इसलिए मैंने बता दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास रिसेंटली, एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसको नियुक्त किया गया है, ये आपका मनुषी चिल्लर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मनुषी चिल्लर, इनका फोटो है, ये 2017 में मिस वर्ल्ड भी रहे हैं और ये खुद डॉक्टर भी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर्मर मिस वर्ल्ड मनुषी चिल्लर ज्वाइंड द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ रेड डॉट चैलेंज कैंपेन रिसेंटली, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दिस कैंपेन। मनुषी चिल्लर जो कि मिस वर्ल्ड रही है, उन्होंने एक रेड डॉट चैलेंज कैंपेन को ज्वाइन किया था, तो ये जो रेड डॉट चैलेंज है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है, ये है आपका यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, यहाँ पे है, इसके बारे में डिटेल है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये एक्चुअली एक प्रोग्राम है जिसके तहत जो गर्ल्स को जो एडुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज डेवलप्ड सुमेरु पेस्ट टू प्रोवाइड कंफर्ट फॉर द डॉक्टर एंड हेल्थ केयर वर्कर्स हु वेयर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक डेवलप किया है सुमेरु पैक्स। ठीक है, तो ये एक PPE किट है और इससे क्या होगा कि जो डॉक्टर्स वगैरह है उनको जो है ये इसमें पढ़ने में बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि जो PPE किट्स ओरिजिनली होते हैं उसमें हवा वगैरह जाने आने का कोई जगह नहीं होता, जिसके कारण उन लोगों को डॉक्टर लोगों को बहुत तकलीफ होता है। तो ये है इसका आंसर है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग DRDO कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन इनके शॉर्ट फॉर्म है ना, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म पूछते हैं या तो आपको उसके बीच में से एक पूछेंगे कि CDAC में इसका D का क्या मतलब है।
ठीक है, ऐसे पूछ देते हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से ये सबको पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बासु चैटर्जी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज ए रिनोन्ड, तो बासु चैटर्जी जो कि हाल ही में उनका निधन हुआ है वो किस लिए जाना जाता है, वो है आपका ये फिल्म डायरेक्टर थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मार्क करना भूल गया, ठीक है, तो सॉरी, तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन 2020 ऑब्जर्व्ड एनुअली, तो कब जो है इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन 2020 जो है ये डे मनाया जाता है, ये है आपका June 4th को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द मोबाइल ऐप व्हिच वाज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर NIC एंड लॉन्च बाय गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो कौन सा ऐसा एक ऐप है जिनको कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने डेवलप किया है और गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये है आपका मेरा वेतन, ठीक है। मेरा वेतन नाम का एक ये ऐप लॉन्च किया गया है इम्प्लॉयज के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नगर वैन स्कीम ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे June 5, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि June 5 को मनाया जाता है, देखिए इसमें दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, जो कि एक नगर वैन करके एक स्कीम लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये कौन से मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इनके द्वारा। इसके बारे में यहाँ पे नीचे डिटेल है, इसको डिटेल को अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इस चीज़ के बारे में पता चल जाए। नगर वैन जो है, सॉरी दोस्तों माफी चाहूंगा, नगर वहन जो है इसके बारे में आपको डिटेल पता चल जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट यूटी इंट्रोड्यूस्ड MOU मॉनिटरिंग मैकेनिज्म प्लान्ड टू लॉन्च पोर्टल नेम निवेश मित्र फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स एंड ट्रैकिंग ऑफ MOUs, तो कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटोरी है जिन्होंने एक MOU मॉनिटरिंग मैकेनिज्म निवेश मित्र नाम है उनका, उसको लॉन्च किया है, जिसके तहत किया है जो भी इन्वेस्टमेंट या MOUs के थ्रू आएंगे उसको ट्रैकिंग किया जाएगा और उस प्रपोजल को देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, उनमें कितना उनको अच्छा है, उनके लिए बेहतर है, ये सब देखा जाएगा। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RBI हैज क्रिएटेड पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF ऑफ व्हाट दिस डैश टू बूस्ट डिजिटलाइजेशन। RBI है जो इन्होंने एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को क्रिएट किया है, ठीक है, ये कितने का है, ये है आपका 500 करोड़। नीचे इसके बारे में डिटेल है, सॉरी दोस्तों थोड़ा माफी चाहूंगा बैकग्राउंड नॉइज के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक लॉन्च समर ट्रीट्स कैंपेन रिसेंटली, तो समर ट्रीट कैंपेन जो है कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक ने लॉन्च किया है, ये है आपका HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक ने इसको लॉन्च किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What will be the India's growth in the year FY21 as per survey of professional forecasters SPF sponsored by RBI? तो कौन सा India's growth कितना रहेगा FY21 में, ठीक है, जो कि सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स के द्वारा ये बताया गया है, जो कि RBI का ही, RBI जिसको स्पॉन्सर करता है, ये है आपका -1.5, ठीक है, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द इंडियन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर एट वर्ल्ड बैंक रिसेंटली, तो वर्ल्ड बैंक का जो सीनियर एडवाइजर है वो किसको नियुक्त किया गया है, ये है आपका राजीव टोपनो, ठीक है, इनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, इनको देख के अच्छे से को आंसर के साथ रिलेट करके याद कर लीजिएगा, देखिएगा आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has been named as the EY World Entrepreneur of the Year 2020? तो किनको जो है EY World Entrepreneur of the 2020 घोषित किया गया है, ये है आपका किरण मजूमदार साहू,
देखिए किरण मजुमदार साहु को इनको देख लीजिए, ठीक है, और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये है आपके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है इंडिया बेस्ड बायोकॉन लिमिटेड का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ओनली इंडियन रैंक्ड अमंग द फोर्ब्स 100 वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज 2020। जो फोर्ब्स मैगजीन है, जो जिनका कि 100 वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज का जो एक लिस्ट आया है, उसमें सिर्फ एक जो है इंडियन एक्टर है जिनको की जगह मिला है, वो कौन है? वो है आपका अक्षय कुमार, ठीक है। अक्षय कुमार जिनका की रैंक 52 आया है, ठीक है। उनका अर्निंग्स यहाँ पे देख सकते हैं 48.5 मिलियन है, और सबसे रैंक वन है काइली जेनर का, जिनका की 590 यूएस मिलियन डॉलर है। तो चलिए यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कौन कितने रैंक में आया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द अमाउंट दैट वाज प्लीज बाय पीएम मोदी टू ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। कितने पैसे जो है, ठीक है, तो ग्लोबल वैक्सीन अलायंस को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने डिमांड किए है, ये है आपके $15 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे डिटेल दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 51st एनुअल डाभोस मीटिंग विल बी कंडक्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन जनवरी 2021। व्हाट इज द थीम फॉर द इवेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बन गया है। ये पूछ सकते हैं कि द 51st एनुअल डाभोस मीटिंग जो है ये किनके द्वारा कंडक्ट किया गया था, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, ठीक है। कब कंडक्ट किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन है, जनवरी 2021 को। और व्हाट इज द थीम फॉर द इवेंट, और इस इवेंट का थीम क्या है, ये आपका द ग्रेट रीसेट, ठीक है, यहाँ पे है इसका। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप लोगों को ये अगर घुमा के पूछे तो आप बता पाए, ठीक है, आंसर इसका। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द कंट्री व्हिच इज गोइंग टू होस्ट AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप 2022। तो कौन सा कंट्री है जो कि AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो कि वुमेन्स एशियन कप है 2022 ये अपना होस्ट करने वाला है, ये है आपका हमारा इंडिया, ठीक है, हमारा भारत देश। इसके लिए हमें गर्व है बहुत, और यह इनके बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वेड वाज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन June 5। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि हर साल June 5 को मनाया जाता है, व्हाट इज द थीम फॉर द वेड 2020। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो है थीम क्या है इस साल के लिए, ये है आपका बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसको अच्छे से, नीचे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये होस्ट किसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है, इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट किया जाएगा कोलंबिया, और पार्टनरशिप किया है जर्मनी के साथ, इन दोनों ने मिलके जो है इस साल के जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट करने हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैंने बोल्ड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं किनके द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल भी प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंस्टीट्यूट रैंक टॉप अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूट इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। टुसुंगु यूनिवर्सिटी टॉप द ओवरऑल रैंकिंग, ठीक है। तो जो टॉप अमंग जो एक वर्ल्ड विच इंस्टीट्यूट की कौन सा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कि हमारे इंडिया के जो है क्या बोलते हैं टॉप किया है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, इनके द्वारा जो है इनके टॉप किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेबी हैज अरेंज द कमोडिटी डेराइवेटिव्स एडवाइजरी कमिटी रिसेंटली। हु चेयर्स द कमिटी। सेबी ने एक कमोडिटी ड्राइव एडवाइजरी कमेटी तैयार किया है, तो इसका जो कमेटी का जो हेड है उस किसको बनाया गया है, ये है आपका अशोक दालवानी, ये एक IAS ऑफिसर है, ठीक है, रिटायर्ड है। इनका मुझे पिक्चर नहीं मिला, मैंने बहुत खोजा तो इसलिए नहीं दे पाए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप लोग थोड़ा सा अगर गूगल कीजिएगा, अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, तो कल हम आएंगे फिर एक वीडियो लेके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लोग और भी वीडियोस लाने वाले हैं, ठीक है। और चलिए स्वस्थ रहिए, जय हिंद, ठीक है।